यो तो आ गए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस आज के इस गेम पे हम दोबारा से खेलने वाले हैं काफी मस्त गेम जिसका नाम है वेस्टलैंड सर्वाइवर। तो अगर आपने लास्ट वाला गेम प्ले नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। उसके अंदर हमने गेयर ढूंढने के लिए गए थे आउटपोस्ट पे, बट हम क्या करें, हमें वहाँ तो गेयर मिला ही नहीं। बट इस बार हम दोबारा से ट्राई करने वाले हैं और इस बार जाने वाले हैं विंटर आउटपोस्ट, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और सर्वाइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और साथ ही साथ हमें एक लेडी को भी बचाना है जिसको ये लोग किडनैप करके ले आए हैं। देखो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब अपन को क्या करना है कि बिल्कुल धीमी धीमी, इनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आ गया हूँ। और बोलते के साथ ही इसने मेरे को देख लिया। देखो इसने मेरे को देख लिया तो क्या दिक्कत की बात है, इसके पास से मैं इसकी विस्की को चोरी करता हूँ। और अभी भी काफ़ी सारे गैंगस्टर बचे हुए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छे तरीके से यहाँ पर मारूं और सबसे पूछताछ भी करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, जो डिस्ट्रॉयर था ये यहाँ पर किल हो जाता है और यहाँ पे मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। और यहाँ पे ये शूटर्स वगैरह है ना, मेरे पीछू इतनी तेज़ी से पड़ जाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और सामने की ओर से एक और गैंगस्टर आ रहा होता है और यहाँ पे गैंगस्टर और शूटर और काफ़ी सारे, यहाँ पे इन सारे लोगों को मेरे को एक ही करके, यहाँ पर डेविड थ्री फिंगर्स पता नहीं क्या ही नाम रख लेते, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और मैंने इस गेट के अंदर घुसने की कोशिश करी बट मैं यहाँ पे नहीं घुस पाया। देखो यहाँ पे इजी है, मतलब मेरे को लगा गेट खुला है घुस जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस फाइनली मैं उस बंदे से बात करने के लिए यहाँ पे आ चुका था जिसके रिलेटिव में से उस बंदी को किडनैप किया गया है। हाँ ये उसकी बंदी भी हो सकती है और क्या पता कुछ और भी हो। लेकिन यहाँ पे आउटपोस्ट पे आने के बाद मेरे को पता चलता है जो सामने का दरवाज़ा है वो इन्होंने बंद कर लिया और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे को यहाँ पे अपने पैट्स पर आने पड़ेंगे ताकि मेरे को ज़्यादा फायरिंग ना करने पड़े और अपने बुलेट्स को भी ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े। तो देखो जो मेरा पैट है यहाँ पर बिल्कुल रेडी है इन लोगों को मारने के लिए। यहाँ पर मैं एक के ऊपर गन चलाता हूँ और बाकी सारा का सारा काम मेरा पैट ही संभाल लेगा। तो देखो पैट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी स्पिरिट ज़्यादा है तो कहीं भी जाओ तो अपने पैट को बनाओ ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। पैट और स्पिरिट इसीलिए होते हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे एक और पैट मेरे को मिलता है जिसको मैं अपना पैट बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरा पैट नहीं है, लेकिन खुल जा सिमसिम करते ही दरवाज़ा खुलता है और इसके दिल के तार अपने दिल के तार से जोड़ लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर एक डॉग होता है और यहाँ पर मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये लोग तो सारा का सारा काम खुद ही कर देते हैं। तो कैसे सबसे पहली बात कि यहाँ पे आ जाता हूँ, आने के बाद यहाँ पे पूरा एरिया खाली कर दिया है, अब बस बचा है ये पेटियाँ लूटना। तो इन पेटियों को मैं ना आराम से लूटेगा, बिल्कुल तसल्ली से तसल्ली में लूटेगा। और इसके अंदर से मेरे को मिला एक स्टील आयरन इंगट नेल्स कहते हैं, हाँ आयरन इंगट नेल्स मिले हैं। देखो इंगट इस वजह से क्योंकि इंगट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और यहाँ पे ये गैंगस्टर आ जाता है और ये कितना ही चाकू फेंकेगा भाई, ये कितनी भी दूर चले जाए मेरा पैट इसको आराम से पकड़ लेता है और इसकी भुजिया बना देता है। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि हम आ चुके हैं दूसरे वेव में, मतलब जो पहला वेव था ये तो था बाहर, अब हम केव के अंदर फाइट करने वाले हैं। और आप लोगों ने अगर कभी भी पूरा नहीं किया होगा ना तो आप देखना केव के अंदर जो फाइट होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि केव के अंदर है ना सबसे पहली बात जो बुलेट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी तक घूमती है और जो गैंगस्टर होते हैं वो इधर उधर छुपे होते हैं। तो मैं काफ़ी धीरे धीरे जा रहा था ताकि इन लोगों को पता भी ना चले और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन इन बदतमीज़ों को पता नहीं कहाँ से ही पता नहीं साउंड होता है, ये लोग अच्छा सा हेडफोन पहन के खेल रहे हैं, मेरे बिल्कुल आने के साथ ही इनको पता चल जा रहा है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अब मैं कह रहा हूँ इनसे मेरे को फाइट करना पड़ेगा और हराना भी पड़ेगा। देखो बात यह है कि अब है ना सिर्फ हमें यहाँ गहरी कलेक्ट नहीं करना, अब हमें यहाँ पे एक लड़की की भी जान बचानी है। और लड़कियों की जान बचाने के लिए अपन तो हमेशा तैयार रहता है क्योंकि आई एम द हीरो ऑफ वेस्टलैंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ और इस बार है ना बिल्कुल साइलेंटली किल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही भैया जी खुजली मुंह में खुजली कर रहा है, ये बर्फ़ का गोला तो नहीं चाट रही थी, मेरे को लग रहा था गाइस तो बर्फ़ का गोला ही चाट रही थी और ये पीछे से मेरे को देख लेता है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे इसको भी निपटा देते हैं। अब बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ से मैं यहाँ पे पहुँच तो जाता हूँ बट यहाँ पे मिलता है मेरे को गैंगस्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, या इतना भी ज़्यादा खतरनाक होता है जितने में इसके पेट आते हैं ना उतने में मैं इनका काम खत्म कर देता हूँ, मतलब इस गैंगस्टर का। देखो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, मेरे लिए इजी इस वजह से है क्योंकि मेरे पास जो वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे के होने के साथ अपन के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे सर्वाइव करने का। और मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो गाइस अब वो घड़ी आ चुकी थी जब आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो भी सबसे मेन और सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर जो कि डायनामाइट फोड़ के अपन की
भजिया पाला कर देता है। तो मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे आता है और यहाँ पे एक को लुढ़काता है और इसने देख लिया, ये तो मेरे को पता था ये मेरे को देखेगा ही देखेगा। एक गन चलाता है, फिर ये दूसरी गन भी चलाता है और इसका नाम है वाइल्ड जैक। अरे जंगली जानवर, अरे जंगली जैक। तो कितने बम फेंका देखो, दो बम फेंका और इससे लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं इसके डायनामाइट के भीतर आऊँगा ये डायनामाइट मेरे को उठा के फेंकेंगे ही नहीं, उठा के सीधा ये सर्वर से ही बाहर कर देंगे। तो बिल्कुल केयरफुल खेलना पड़ता है। और यहाँ पर जो वाइल्ड जैक था ये अपनी हीलिंग कर रहा है, मैं घर के अंदर छुप जाता हूँ बट फिर भी गोलियाँ लगती है। और यहाँ पे ये डायनामाइट फेंक रहा है, गन से चला रहा है, मतलब मैं कब कर पाऊँगा जो डायनामाइट फेंको, ऐसे मेरे पास इतना ज़्यादा फालतू था ही नहीं। और फाइनली ये अपने ही डायनामाइट के नीचे तले मर जाता है। तो फाइनली गाइस मेरे को वो लड़की भी मिल चुकी थी, अब हमें बस ये चेक करना है कि हमें गेयर मिलता भी है नहीं, और मिलता भी है तो किस बेंच का मिलता है गेयर, वो भी देखने की बात है। तो फिलहाल के लिए ये लड़की मेरे को मिल चुकी थी, इसको भी लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपन बॉक्स को ओपन करता है और मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है जो कि था गेयर, जिसका नाम है इसका ड्रिल किट, जो कि हमारे जो वेपन है ना उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी और डैमेज वगैरह भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देगी। तो गाइस देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पे मैं इस गेट को ओपन करता हूँ और इस घर को यहाँ से लेके बाहर निकलते हैं और वो रह कर गई। अरे यार हाँ बदतमीज लड़की, चल मतलब यहीं रहने का प्लान था ना, अभी एक गैंगस्टर एक कान के नीचे लगाएगा तेज़ी से और तू यहाँ पे लुढ़क जाएगी। तो फाइनली गाइस उस लड़की को मैंने उसके भाई के मतलब उसके सेटर के हवाले कर दिया, अब बस अपन को जाके लूट उठानी है और मजे लेने हैं। तो गाइस आज के लिए आई होप सो आपको वीडियो चले, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं ठोका तो सब्सक्राइब ठोक के जाना, कमेंट करके जाना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।